गरीब लड़का और भगवान बुद्ध। एक इतना गरीब लड़का था कि वह हर रोज खाने के लिए भटकता था और कहीं ना कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है मैं कितना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुम्हें चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराता? तो वह चूहा बोला कि तेरी किस्मत में कुछ ही चीज़ें लिखी है, वही मिलेगा। भले तू कितने भी कोशिश कर ले, भले तू कितना भी इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास नहीं रख सकता। यह जानकर लड़का बहुत शौक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारे किस्मत में क्या है। इसलिए वो लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी, इसलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उस घर वालों से एक रात रहने के लिए इजाज़त मांगी। उसे इजाज़त मिल भी गई। हवेली वालों ने लड़के से पूछा कि वे इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध से हमारा सवाल भी पूछोगे? हमारी एक 13 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती है, तो क्या करें जिसे इसकी आवाज़ आए? उस लड़के ने कहा, जरूर पूछूंगा आपका सवाल। और उसने उनको धन्यवाद कहा और सुबह वहां से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा। उसे वहां एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि वह कहां जा रहा है? तो उसने कहा कि भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूं, अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए कहा। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा यह सवाल पूछोगे? मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूँ, और मेरे हिसाब से वे अब तक तो मुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए था, तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूँ? लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपका सवाल बुद्ध से पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से उस लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। जब वह आगे बढ़ रहा था तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वहाँ बहुत बड़ी नदी थी जो वह खुद नहीं पार कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुआ। कछुआ उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उसे वही सवाल पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने सब बताया। तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा, मैं 400 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ पर अभी तक नहीं बन पाया, तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊँ? लड़के ने कहा कि आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपने पीठ पर बिठाया और नदी के उस पार पहुंचा दिया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा कि एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। लड़का एकदम शॉक हो गया क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वो सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 400 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, जादूगर
1000 साल से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है और वह लड़की बिना बोले कैसे पूरी जिंदगी निकल सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं तो मांग कर भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानियाँ तो मेरी परेशानियों से बहुत बड़ी है। तो लड़के ने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछा। बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 400 सालों से ड्रैगर बनने की कोशिश कर रहा है पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगर नहीं बन पाएगा। वही जादूगर अब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा। और जब लड़की को उसका जीवन साथी मिल नहीं जाएगा तब तक वह बोल नहीं पाएगी। यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बताया। तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही कवच निकाला उसमें से कीमती मोती निकले। वह मोती कछुए ने लड़के को दे दिए और वह ड्रैगर बन गया। फिर जादूगर के पास गया तो सारी बात बताई। तो जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया जहां उसने रात गुजारी थी। जब वहां गया तो लड़की सामने आई और बोली, उस रात हमारे हवेले पर तुम ही आए थे ना। इसी तरह लड़के को पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गई। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जब जादूगर छड़ी दे दी तो उसे स्वर्ग मिल गया। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। पानी का जहाज सबसे ज़्यादा किनारा पर ही होता है पर जहाज किनारे के लिए नहीं बना है। वह बीच समुद्र में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम बहुत सारी है तो ज़रा एक नज़र डालिए उन लोगों पर जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। क्या आपकी प्रॉब्लम उनके प्रॉब्लम से बड़ी है? सो स्टे पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।